रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। निकी, मुझे ना तेरे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है? हाँ, लिसन, तेरे साथ रहना कौन चाहता है, ना मैं ना तेरा प्यारा पति। पूनम, उस लड़के की उम्र तुमसे बहुत ज्यादा कम है। There's nothing embarrassing in it. इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा एक हस्बैंड नहीं, तुम्हारा दोस्त है, वो इसलिए पूछ रहा हूँ। अनन्या, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया, हमारी कभी कोई लड़ाई तक नहीं हुई। All I wanted from you was trust. And तुमने जाके उसे बता दिया। मैंने रोहित को कुछ नहीं बताया, no way. उसे कोई सपना तो नहीं आ सकता ना, उसे जरूर किसी ने कुछ बताया है। And you know what, अनन्या, हमारे बीच कुछ है भी नहीं, लेकिन रोहित को लगता है कि कुछ है। And these are not Rohit's words. वो मेरे साथ कभी ऐसी बात नहीं करता है। जब पूनम तुम्हारी बीवी थी तब तुम सीक्रेटली मुझसे मिलते थे, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम सीक्रेटली पूनम से मिलते हो। Wow. देखो पूनम, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। इतना मैं समझ गई हूँ। तो तुम ये भी जानती हो कि ये बात अट्रैक्शन से काफी आगे बढ़ चुकी है। I really want you. I really want you. Just don't say anything. सिर्फ सुनो। देखो, तुम अब रोहित से प्यार नहीं करती। And if only if you've moved on, क्या तुम हमें एक चांस दे सकती हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे एज में यंगर हूँ, या लोग क्या कहेंगे, वाली वाइब्स आती हैं तुम्हें। That's not the problem. The problem is that I was married to Rohit. I loved him. इतने साल मैंने उसे प्यार किया है, and he betrayed me. Your age is not the problem. The problem is me. You know, I am not ready for this. Please try and understand. तुम मुझे कभी भी trust कर पाओगी? Of course I trust you. So, चलो मेरे साथ। कहाँ? भांगड़फोड़ जा रहा हूँ वीकेंड के लिए, तो चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? अभी? बहुत सालों से मुझे वहाँ जाना तो था, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, और अगर तुम्हारा मन था तो चलते हैं ना। दो रूम या एक रूम वो तुम डिसाइड कर लेना। अरे अच्छा, ओके ओके, चलोगी? दिमाग का दही बना दिया इस रोहित के बच्चे ने, ब्लडी बाइपोलर बना दिया। 3 साल में कभी जेलसी नहीं हुई, और आज जस्ट बिकॉज उसने कहा कि पूनम अच्छी लग रही थी। आई नीड टू पुल माई सेल्फ टुगेदर। वो मिल सकते हैं यार, पेरेंट्स हैं दो बच्चों के, हिस्ट्री है उनके बीच, बट ही शुड हैव टोल्ड मी। एनीवे, अब से वो बताएगा, ही विल। चलो अभी काम पे लग जाते हैं, नया दिन नई स्टार्ट। शंभू, माँ, आप अकेले क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है? आपका बीपी चेक करवाऊं? गर्मी हो रही है, मैं टेम्परेचर चेक करके आई। सब ठीक है बेटा, तुम जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बेटा, मैंने सोचा है कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाती हूँ। कनाडा? अचानक कनाडा क्यों माँ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कनाडा का आइडिया मुझे अच्छा लगा, बहुत सोच चुकी मैं अपने बेटे के बारे में। अब
अब तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए बेटा। क्या माँ? रोहित तो अनन्या के साथ, और तुम्हारा भी होगा। मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है माँ। आई नो बेटा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कभी तो होगा ना, इसलिए। क्या होगा? रिश्ते आएंगे। इनफैक्ट रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते आएंगे? कहाँ आ रहे हैं? तेरी प्रोफाइल पे बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। कौन सी प्रोफाइल? अरे शीना और वीरा ने तुझे रजिस्टर किया है किसी मैरिज वेबसाइट पे। बट कितने इसको दे? गुड लुकिंग ना? वेरी नाइस। एंड द अदर टू थ्री नॉट बैड। अरे ये जाके मिले तो देन विल मेक सम सेंस। देन व्हाट डू यू डू? आई मीन इटली। पूनम, हम तो बस ऐसे। आई कैन एक्सप्लेन। पूनम दो ग्रोना बच्चों की माँ है जो अब उसके साथ नहीं रहते। स्वभाव की सुशील भारतीय नारी है, गृहिणी मटेरियल है। शीना, व्हाट इज दिस? आई डोंट बिलीव दिस। तुम मुझसे बिना पूछे मेरा अकाउंट बना रही? तुमने क्या समझ के रखा मेरी जिंदगी को? ये मजाक है क्या? मैं किसी के बिना अधूरी नहीं हूँ। आई डोंट नीड एनीवन। ऑफ कोर्स यू डू पू। कम ऑन, हाउ कैन यू डिनाई इट बेब? इस प्रोफाइल की मुझे जरूरत नहीं है। स्टॉप एडवर्टाइजिंग अबाउट मी, प्लीज स्टॉप इट। पूनम, पूनम प्लीज जस्ट काम डाउन। हुआ क्या है बे? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? आई मीन आर यू पीएमएसिंग? अब तो तुम बिल्कुल वो सुशील भारतीय नारी वाला एक्टिंग नहीं कर रही हो। मजाक कर रहे थे धीरे और मैं बस। आई मीन इट्स ओके बे। नो शीना, इट्स नॉट ओके। प्लीज तुम मुझसे बिना पूछे मेरी फोटोग्राफ किसी भी साइट पर नहीं डाल सकती। आई एम सिंगल बट आई एम हैप्पी। मुझे मेरी जिंदगी में वो सब वापस नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज आप दोनों दोबारा ये हरकत मत करना। दैट्स ऑल आई हैव टू से। नहीं यार, कल बहुत भड़क गई थी, बता नहीं पाया उसे। बैंक से बार बार फोन आ रहा है, आज बताना पड़ेगा। चल बाद में बात करता हूं। आना, आना। हाँ ऊपर हूं। हाय, यू गोइंग समवेयर? तुम्हें इसकी स्मेल पसंद नहीं है ना? या नहीं नहीं, आई मीन इफ यू लाइक इट। नो नो, यू आर नॉट कमिंग विद अस टू पेरिस। वीजा आ गए। ओह या, वी आर गोइंग। आई एम सो सैड। इतने टाइम के बाद एक हॉलिडे के लिए जा रहे हैं, वो भी मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस। आई लव इट। क्या था वो? जेतेन मो अमोर। आई लव फ्रेंच टू। ओह अभी पैकिंग, मतलब हफ्ता भर पड़ा है। अरे चार दिन बचे हैं, ओनली 4 डेज। ओ या या, तुम भी अपने कपड़े निकालो, जो भी पैकिंग करनी वो साथ में ले जाएंगे, और अगर कुछ ड्राई क्लीन कराना होगा तो आई थिंक दिस शुड बी फाइन। अच्छा, आई वांट टू टेल यू गाइस, यार तुम्हारे ओवरकोट्स नहीं मिल रहे हैं, कहाँ हैं? पूनम को पता होगा, मैं ये कहने वाला था कि ओ तो पूनम से करवा लो ना पैकिंग। दैट्स, आई एम जोकिंग यार। यू नो आई लव टू पैक। अभी से शुरू हो गई तो तुम्हारा भी तो कर ही सकती हूं ना सूटकेस। यू चिल। Are you hungry? No. कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, I'm okay. Okay. Alright. Oh, by the way, कहाँ है मेरा फोन? हाँ, मैंने पेरिस के लिए सारी आइटिनरी फाइनल कर ली है। आईफिल टावर फर्स्ट डे, सेकेंड डे ये बोट राइड, उसके बाद म्यूजियम, थिएटर एंड या होटल बुकिंग कर ली थी ना मैंने। वो तुमने यार वो जो स्वीट बुक किया है ना 10 डेज के लिए जॉर्ज सैंग में, इट्स रियली एक्सपेंसिव। 20 lakhs फॉर 10 डेज। It's okay. If you want, मैं होटल में फोन करके वो जो एडवांस तुमने दिया है 2 लाख का, उसके लिए लड़ सकती हूँ। आई कैन गेट इट बैक। इट्स ओके। और आज बाकी के पैसे भी भेज दूंगा तो विल बी कंफर्म्ड। आर यू श्योर? या या। ओके, बट इट्स एक्सपेंसिव। मैं तो अभी से शुरू हो गई अपनी पैकिंग करने के लिए।
इसमें मेरे शूज हैं। यार ये तो बहुत जगह ले लेंगे। आई थिंक आई शुड ट्रैवल लाइट। पेरिस में शॉपिंग कर लेंगे। यस। ओह बाय द वे माँ का फोन आया था और उन्होंने बोला कि वो मठरी और अचार पेरिस ट्रिप के लिए पैक कर रही हैं। मिडनाइट स्नैक विद फ्रेंच वाइन। नो गुड आइडिया। आई एक्चुअली लाइक हर मठरी एंड अचार। ओह यू डू? तो रख लेंगे। क्या हुआ तुम इतने तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? आई यू आई नहीं आई एम फाइन आई एम हैप्पी यार आई एम हैप्पी वी गोइंग टू पेरिस। आर यू श्योर? या ओके। तो आई जस्ट कम बैक इन अ मिनट। या इसको वापस ही रख देती हूं। और मुला रोज की बुकिंग हो गई फ्रंट रो। नेकेड गर्ल्स जीजू को दिखाएगी? सच एन एस यू आर। माने तो क्या, इससे अच्छा तो यही दिखा दूं। He's finding Poonam attractive these days, so it's better he enjoys with these women, na? Really? वैसे ये वाली jealousy suit नहीं करती। Oh hello, I'm not jealous. हाँ। Please यार, एक तो ये रोहित ने ना अभिमन्यु और पूनम को एक साथ देख लिया, and he went and told Poonam about it. और पूनम को लगा कि मैंने रोहित को बताया। एक तो वैसे ही मेरी reputation। और तेरी history? शक तो होना ही था। Thanks, Mandy. No, but seriously, इन दो सालों में काफी चीजें चेंज हुई हैं। मतलब पूनम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है बट एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं है। बट दिस इंसिडेंट रोहित्स फॉल्ट एंड एज रोहित्स पनिशमेंट तू तो उसे लेकर जा रही है लैंड ऑफ नेकेड बूम्स। लैंड विद योर्स बेबी डे नाइट मॉर्निंग इवनिंग जेरी। कैसी है ये मैंडी? या थैंक यू। वाओ गाइस दिस टेबल लुक्स कूल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। डिजाइनर गर्लफ्रेंड्स का फायदा तो उठाना चाहिए ना। और कहाँ कहाँ जा रहे हो? मतलब क्या प्लान्स है? I'm feeling so jealous यार। चेरी चलना हम भी चलते हैं। It's my honeymoon, okay? I don't want hoodies in my kebab. तुम दोनों गोवा चली जाओ। वो तूने FD तोड़वा दी? और भाभी को पेरिस घुमाने के लिए सैर सपाटे के लिए? अरे और कोई चारा भी नहीं था। ठीक है, वैसे रिकवर होंगे तो निकी के नाम पे दूसरी FD कर दूंगा। क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया? भाई तू वैसा आदमी नहीं है यार। कैसा आदमी नहीं? अरे वैसा इंडियन फिल्मों जैसा, वो आशिक होते हैं ना जो अपना सब कुछ बेच बाज के अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे हो लेते हैं। भाई वो जो अपनी किडनी तक बेच के अपनी गर्लफ्रेंडों के लिए डायमंड सेट लेकर आते हैं। गुरी तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे पता है ना मेरा कैश क्रंच चल रहा है, नहीं है पैसे मेरे पास, तू क्या करता मैं? अगर पैसे नहीं है तो सीधा भाभी को बोल देना कि पेरिस का पंगा क्यों डाला तूने अब्रॉड वाला, वो अपने शर्मा जी के कोटे में चला जाए शिमला। भाई अच्छी बात यह है, खूबसूरत है, सस्ता, मजबूत, टिकाऊ, और क्या चाहिए तेरे को? मैंने कोशिश की लेकिन नहीं बोल पाया। मैं जानता हूँ बोलना चाहिए मुझे, मेरी पत्नी भी है, मेरी दोस्त भी है, उसे पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन यार वो बड़ी खुश थी। और मैं देख भाई एक बात बोलूं तुझे, तू ना कहीं अना भाभी से कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है। मैं कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूँ? तभी तो तू बार बार कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। मैं कम्पीट कर रहा हूँ उसके साथ? हाँ भाई साहब, वर्की वुमन एंड मैन कॉम्प्लेक्स। तू बैठ यार, बैठ। तो अब तू मुझे साइको एनालाइज करेगा है? क्यों, कौन है तू? सिंह मनफ्राइड? उड़ाले मजाक भाई उड़ाले। और मैंने भी ना साइकोलॉजी ऑनर का ना 2 महीने का कोर्स किया था, पता है ना तुझे है? एक बात बोलूं तुझे, जब तू पूनम भाभी के साथ था ना तो उसे सब कुछ हर बात इमीडिएटली बता देता था, क्योंकि वहां तो कोई कंपटीशन नहीं था ना दोस्त। बता दूंगा यार, आना को बता दूंगा। आई थिंक एक बार पेरिस से वापस आ जाए फिर उसे सब कुछ बता दूंगा। अरे भाई साहब, अगर इस दौरान अना भाभी को तेरे बारे में पता चल गया तो जो तेरी ये निकी वाली FD है ना, वो तेरी लाइफ इंश्योरेंस से रिकवर होगी यार, लाइफ इंश्योरेंस से। बॉस अपनी जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, एक स्ट्रिक्ट रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। क्या? औरतों को कम बताओ वही ग्रेट है। बड़ा ही टुच्चा रूल है ये तेरा, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी है, बता दूंगा यार। वाह वाह पूनम, यंगर बॉयफ्रेंड क्या आ गया है लाइफ में, हर हफ्ते न्यू नेल पॉलिश कलर। शीना इतना सब कुछ कर रहे हो तो ब्राज़ीलियन वैक्स भी कर दो ना एक बार। शीना आई एम स्टिल वेरी एंग्री विद यू। हाँ एंड मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम अगर मेरे सामने टॉम क्रूज को भी ले आओगी ना तब भी मैं ब्राज़ीलियन वैक्सिंग तो कभी नहीं कराऊंगी।
ओहो माय डियर पू, तुम्हें क्या पता जॉयज ऑफ ब्राजील? मुझे जानना भी नहीं। इपू, तुमने अपनी वैक्सिंग पिछले हफ्ते ही किया था ना? हाँ। बाल इतने कैसे बढ़ गए? स्ट्रेंज ना। अच्छा टेल मी, हैव यू मेट योर गायनी रिसेंटली? कोई टेस्ट वेस्ट कराया क्या? ये तो मुझे हार्मोनल लग रहा। बैंक से फोन है। यस अजीमा, हाय। व्हाट? एफडी तोड़वा दी? और पैसे कहाँ ट्रांसफर किए? क्या हुआ पूनम? रोहित, उसने निक्की की एजुकेशनल एफडी तोड़वा दी। एंड यू नो व्हाई? उसे पैसे की जरूरत है। आधे पैसे उसने 7-star होटल की बुकिंग के लिए ट्रांसफर कर दिए। हाउ कैन ही डू दिस? अपने बच्चों की एजुकेशनल एफडी तोड़वाकर वो अपनी यंग बीवी को घुमाने लेके जा रहा है पेरिस। प्लीज काम डाउन। क्या अनन्या को रोहित के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पता है कि नहीं? सब पता है उसे, सब बताता है वो उसे। उसे सब कुछ पता होता है, मेरे घर के बारे में, मेरी बेटियों के बारे में, मेरे बारे में, एवरीथिंग। जिस दिन उसने मुझे अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स के बारे में बताया था, उसने मुझे कहा था कि वो अनन्या को सब कुछ बताने वाला है। और इस बात को 10 दिन हो गए एंड स्टिल, आई मीन पेरिस, अनन्या ऐसी लगती नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के बच्चों की एजुकेशनल एफडी तोड़कर घूमने जाए। हाँ नहीं, कि वो ऐसे हालात में हॉलिडे के बारे में सोचे। इट्स इनफ। रोहित एंड हिज वेज, उसके ये सारे कारनामे, दिस हैज टू स्टॉप। जस्ट काम डाउन के प्लीज। अच्छा सुन, एक बार तुम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लो ना, हार्मोनल टेस्ट करवा लो। आजकल तुम हर बात पर इतनी भड़क रही हो। हाय। हाय आना। व्हाट्स अप? क्या बना रहे हो? इंस्टेंट नूडल्स। जी, सो अनहेल्दी। कुछ हेल्दी खाते हैं ना? मैं बनाती हूँ। यू गाइस लाइक खाउसवे? यस। ओके डन। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या चल रहा है? क्या क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? आर्या से बात हुई? सॉरी, आर्या के सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं हुआ। लिसन, मैं तुम दोनों को इतना तो जानती हूँ। आई नो दैट यू बोथ कांट रियली लाई, सो टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्चुअली पानी का बॉस उससे फ्लर्ट कर रहे। निकी, ओह, जॉइन द क्लब यंग लेडी? अरे इट्स नॉट फ्लर्टिंग, इट्स आई थिंक आई एम जस्ट ओवरथिंकिंग, यू नो। एंड वो हर रोज पूछता रहता है मुझसे कि रात को क्या कर रही हो, डिनर पे चले गए, आई मीन वर्क डिनर। एंड स्पेसिफिकली जब से उसे ये पता चला ना मेरे ये नॉन डिवोर्स वाला सिंगल फेस के बारे में, स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ जर्क। डोंट वरी, हर दर्द और हर जर्क का उपाय है मेरे पास। अच्छा क्या? पहले एक हाउस वेफ, फिर ज्ञान स्वेफ, चलेगा? Nikki, get the plates. Let's go. Okay. Where are the plates? Really? ऐसा हर ऑफिस में होता है? You see, Bani, हम औरतों को आजादी तो मिल गई है काम करने की, लेकिन लेची नजरों से नहीं मिली। बहुत कॉमन है ये सब। और ये तो तुम्हारा फर्स्ट जॉब है। You know, मेरा पहला बॉस, oh my God, creep number one. Really? Yeah. अब देखो, तुमने काम करना शुरू किया ना, तो ये सब भी हैंडल करना सीख लो। अरे मतलब काम भी सीखो और साथ में ये वाला स्किल भी सीखूं? ऑफ कोर्स। भारतीय नारी डबल भारी, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। वाओ। नो सीरियसली, क्लाइंट्स आर सच डिक्स। ए, व्हाट्स योर लैंग्वेज यंग लेडी? सॉरी,
कोई रूल बुक नहीं है ये सब हैंडल करने के लिए, लेकिन हम अपनी रूल बुक बना सकते हैं. व्हाट्स इट? सो रूल नंबर वन, अगर तुम्हारा बॉस तुमसे कहे हे बानी यू लुकिंग सो गुड, जस्ट से थैंक यू एंड लीव. बट इट्स सिंपल, ट्रस्ट मी. और अगर उसने तुमसे पूछा ना कि ये काम डिनर पे कर लेते हैं, जस्ट से नो आई लाइक टू वर्क ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. और अगर फिर भी पूछे कि शाम को क्या कर रही हो, जस्ट से यू आर बिजी. नो पर्सनल डिटेल्स, नथिंग. और अगर ये सब भी काम ना आए ना, तो टेल योर डैड. एंड यू नो योर डैड, ही विल स्टार्ट पिकिंग यू एंड ड्रॉपिंग यू. और तुम्हारे बॉस की तो गई. गुड आइडिया है ना. आई टीच यू यार, बहुत इजी है बनाना. मैं पता नहीं कब सीखूंगी. अच्छा मैं हूं ना, मैं बना दूंगी. या प्लीज डू दैट. आई विल डू दैट. वन सेकंड, आई जस्ट हैव अ लुक एट इट. थैंक यू. थैंक यू. हाय बानी. मॉम, बानी मुझे अनन्या से बात करनी है. गो फॉर अ ड्राइव. सो यू डोंट वांट मी टू हियर द कन्वर्सेशन? ओके. बट मॉम मैं ऐसे कैसे जाऊं, मतलब इन कब? अच्छा ठीक है, मुझे वैसे भी अपने घर से कुछ सामान लेना था. I'll see you guys. Hi. अनन्या, मुझे तुम समझ ही नहीं आ रही हो. तुम ये सब क्या कर रही हो? मजाक है क्या? One second. Calm down, Poonam. You have some wine? No, thanks. Paris जा रही? हाँ, next week. पता था मुझे. I just wanted to see your face. How can you do this? Any problem? Problem? अनन्या, मैं अपना पूरा लाइफस्टाइल डाउन स्केल करके एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए तैयार हो गई. और व्हाट आर यू डिमांडिंग? अ हॉलिडे इन पेरिस? सेवन स्टार होटल चाहिए? बिजनेस क्लास टिकट्स चाहिए? आई थॉट तुम निकी के बहुत क्लोज हो, लेकिन तुम तो खुशी खुशी अपना ट्रिप प्लान कर रही हो. और तुम्हें पता है इस सारे एक्सपेंडिचर के लिए रोहित क्या कर रहा है? वो बहुत इजिली मेरी बेटी के 20 लाख रुपए की एजुकेशनल FD तोड़वा चुका है. What? What are you saying? तुम्हें FD के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, I... Obviously. इन हालातों में उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा. One second, Poonam, please sit down. Just tell me everything. क्या हो रहा है? तुम तो जानती हो ना that Rohit is going through a financial loss. उसके लिए वो फार्म हाउस बेच रहा है. I don't care वो अपने पैसे के साथ क्या करे, but ये FD, it is a matter of concern for me. ये निक्की की FD थी और हम दोनों ने इसे एक साथ सेव किया था. And because of your this trip, everything is gone. What financial loss are you talking about? रोहित ने तुम्हें इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया? Oh God, रोहित. रोहित को 15 करोड़ का नुकसान हुआ है. Some investments that he's made wrong. तुम्हें सबके बारे में कब पता चला? I'm really sorry, Anna. मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया. उसने मुझे 10-15 दिन पहले बताया. I'm sorry I overreacted. I was just concerned about my daughter's FD. That really troubled me. That's why I lost it.